बुक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस। पहले लोग सोचते हैं कि जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा बहुत खुश रहूंगा, ये वो ये। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, ठीक है ना। सक्सेस इज नॉट द की ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि आप सक्सेस होने के बाद आप ऐसे ही होगी खुश ही रहे, है ना। और सक्सेस की परिभाषा देखो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है ना। तो सबसे पहले मेन बात फोकस करने वाली क्या है, हैप्पीनेस। इसीलिए मैं हर वीडियो की शुरुआत में, हर वीडियो के लास्ट में जरूर बोलता हूँ कि आप स्माइल करते रहें। हैप्पीनेस इज द की ऑफ की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। आप जो कर रहे हैं उसको काम करने में अगर आपको मजा आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो जो भी करें, पढ़े लिखे जो भी करें, उसमें आप खुश जरूर रहें, उस काम से प्यार करें, ठीक है ना। फिर वो आपको काम काम नहीं खेल लगेगा। चलिए इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे बेस्ट सेक्शन की और बेस्ट कमेंट्स, यू कैन डू इट। गुड मॉर्निंग सर, ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच। और आपके क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसीएमआर इंडियन, बिल्कुल ठीक है। बलराम फिशिंग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रैंक थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है ठीक है। पेट्रोलियम स्टील मिनिस्ट्री एंड धर्मेंद्र, ठीक है। हाउ मैनी थ्री, इन दिन के नाम लिखते ना तो आप और भी अच्छा रहता। कोई बात नहीं, वैसे अच्छा है, बहुत बढ़िया। 10 out of 10, बहुत बढ़िया। स्टार स्टूडेंट यू एंड यू टू आर स्टार स्टूडेंट। चिताक्षी जी गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रैंक वेरी गुड। हाउ मैनी स्ट्रेटेजिक 3, विजगर बैंगलोर मैंगलोर, बहुत बढ़िया। इंडिया बिगन टू गेन असिस्टेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1986, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरकुलस एयरक्राफ्ट, बहुत बढ़िया। आशिता देव दवी, बहुत अच्छा वीडियो है बेटा, काफी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव है, थैंक यू सो मच। अरुणिमा जी गुड मॉर्निंग सर, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे कमेंट किए आप लोगों ने, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर किए, है ना। इससे कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे होगे, है ना। और जो भी बच्चा उस सेशन को देखेगा तो वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएगा, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जितना भी 12 अप्रैल का जितना भी टॉप करंट अफेयर था वो कवर करेंगे, और जितना भी टॉप करंट अफेयर है ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, ग्लोबल इंडियन फिजिशियन COVID-19 कोलैबोरेटिव बाय डॉक्टर्स एंड इंडियन ओरिजिन। अप्रैल 12 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक फंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव वायरसोम वैक्सीन प्रोडक्शन भारत पढ़े। ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 586 डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल सेटअप। COVID-19 व्हाट आर रेड व्हाट आर ऑरेंज एंड व्हाट आर ग्रीन जोन, आइए इन सबको विस्तार से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ग्लोबल इंडियन फिजिशियन COVID-19 कोलैबोरेटिव बाय अ डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहने की बात क्या है, यहां पर क्या होगा देखते हैं। डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वी नो वेरी वेल। अब कहीं ना कहीं आप देखिए सारे जो कोलैबोरेट, मतलब समझ रहे एक जगह इकट्ठा होंगे और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, आइए देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कम टुगेदर अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड द ग्लोबल इंडियन फिजिशियन COVID-19। और जो भी दुनिया में कहीं भी इंडियन डॉक्टर हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे होंगे। द इनिशिएशन एम टू फॉस्टर क्रॉस सिस्टम लर्निंग, कहीं बात क्या है कि जो आपने वहां उस रीजन में सीखा वो हमें सिखाओ और जो हमने इस रीजन में सीखा हम आपको सिखाएंगे। तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर होगी आपस में, जो इन्होंने सीखा वो इसको सिखाएंगे, जो इन्होंने सीखा वो इसको, आपस में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे शेयर करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। प्लीज नोट आउट, प्लीज नोट इट, PNI करें सारे लोग। द इनिशिएटिव विल वर्क ऑन अर्ली वार्निंग एल्गोरिथम, वैक्सीनेशन, एंटीवायरल थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी ऑफ COVID-19, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड सेवरल लीडिंग एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेमली ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहने की बात क्या, ये बहुत सारे और लीडिंग एसोसिएशन हैं जहाँ जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं, ठीक है ना। कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन हेरिटेज आर्ट द पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब जो पार्ट, मतलब जो कोलैबोरेशन इंडिया में होने वाला है, तो इस कोलैबोरेशन के तहत ये सारे जितने भी आप एसोसिएशन देख रहे हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। द कोलैबोरेशन इज टू मीट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब कहने की बात के जितने भी कोलैबोरेशन होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि वो भाई वो अपना रीजन छोड़कर और अपना इधर उधर का रीजन छोड़कर वो एक जगह इकट्ठे हो जाए,
ठीक है ना कहीं वो अपनी ड्यूटी वहां परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में एक टाइम रहेगा इनका, आपस में जुड़ेंगे, आपस में बात करेंगे, नए नए टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ठीक है ना, वो कुछ उनसे नया सीखेंगे। और टॉपिक क्या रहेंगे, वैक्सीनेशन, एंटीवायरल थेरेपी एंड प्लाज्मा थेरेपी, दीज ऑल, मतलब आप जितने भी ये थेरेपीज वगैरह देख रहे हैं, वैक्सीनेशन, ये COVID-19 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर्स अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा, ये देख लीजिए, इनिशिएटिव will help doctor to learn about successful drug being used by the doctor spread all over the world. Doctors को भी बहुत ज्यादा benefit मिलेगा इससे, और वो नई नई चीजें, नई नई information, नई नई दवाइयाँ भी उन्हें पता चलेगी। The pros and cons of using drug, उस drug के क्या benefit हैं, है ना, क्या advantage, क्या disadvantage पता चलेंगे उन्हें। That have been recommended so far such as remdesivir, lopinavir, gilead, hydroxychloroquine etc will be shared. इन सारी दवाइयों के जो मतलब ये जो दवाएं हैं इनके COVID-19 पेशेंट पर क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस की जाएंगी। द ड्रग टू ट्रीट द वायरस आर स्टिल इन क्लिनिकल ट्रायल, ये सारे ड्रग अभी भी ट्रायल में चल रहे हैं। देयरफॉर द एसोसिएशन पार्ट ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवली ऑफ द ड्रग विल ऑल्सो हेल्प टू लर्न अबाउट द एक्टिविटी ऑन द डिफरेंट पेशेंट। हर पेशेंट पे हर मेडिसिन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्या नहीं, तो ये सारी चीजें जो इसमें क्या कहते हैं हमारा ग्लोबल इंडियन फिजिशियन COVID-19 कोलैबोरेशन है, इसमें ये सारी चीजें शेयर करी जाएंगी, ठीक है। आइए अप्रैल 12 की बात कर लें, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पर मनाया जाता है। यूरी गगैरिन, आइए देख लेते क्या है क्या नहीं। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व ऑन, अच्छा क्वेश्चन है, 12 अप्रैल द डे कमेमोरेट The anniversary of Yuri Gagarin's historic space flight in 1961. मतलब समझ गए, 12 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और साथ ही साथ एनिवर्सरी यूरी गगैरिन की भी मनाई जाती है, जो कि स्पेस लिफ्ट सबसे पहले स्पेस फ्लाइट कब किया था, 1961 में। अब बैकग्राउंड की पीछे थोड़ी सी बात कर लें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन इन अप्रैल 2011 टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट on April 12. Why April 12? लोग मतलब सारे लोग जानते हैं, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों अप्रैल 12 को इस तौर के लिए चुना गया कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, क्योंकि 1957 द फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट स्प्यूटनिक 1, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट कर लो, इन 1957 फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट इज स्प्यूटनिक 1 वॉज लॉन्च into outer the space, ठीक है, on April 12, अब बात कर लेते हैं April 12 की, 1961, Yuri Gagarin become the first man to the orbit the Earth successfully, this open human endeavor to outer surface, तो इसीलिए 12 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है, आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। और नई चीज आपको सीखने मिली होगी, द फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट इज नोन एज स्प्यूटनिक 1। अब UNOOSA, यूनोसा क्या है ये देख लेते हैं इसका, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स इज द ऑफिस दैट प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर पीसफुल यूज इन आउटर स्पेस, आउटर स्पेस का पीसफुल यूज करेंगे, कहीं नहीं ये नहीं कि आप कोई ऐसा वेपन बना लें कि आउटर स्पेस में भेज दें और फिर वो पूरे मतलब जहां भी आप चाहें उस देश को जाके वो खत्म कर दे, बहुत सारी आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, बट नहीं, यूनोसा क्या करता है कि पीसफुली आउटर स्पेस को यूज किया जाए, ठीक है ना, जितने प्रोग्राम रहे वो सारे पीसफुली रहे। द इवेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू सेलिब्रेट द डे ऑर्गेनाइज बाई यूनोसा एम टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। अदर ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, द डे इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉस्मोनॉटिक्स डे इन सोवियत यूनियन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 2001 इज सेलिब्रेटेड द डे एज अ वर्ल्ड स्पेस पार्टी, ठीक है। आइए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक फंड डेवलपमेंट टू एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन प्रोडक्शन, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक उसने फंड दे दिया किसके डेवलपमेंट के लिए, एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक बहुत ही कारगर और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही इन दिनों, ठीक है ना, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू फंड अ सिग्वल बायो सॉल्यूशन, याद रखिएगा
to fund a Seagull Bio solution to develop an active virosome vaccine and an immunodiagnostic kit for COVID-19. The kit are expected to reach the market August 2020. अब जो ये लोग किट बना रहे हैं वो आपकी कब कब मिलेगी, अगस्त 2020 तक मार्केट में आ जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको फंड किया है, सीगल बायो सॉल्यूशन को। ठीक है, अब वायरोसोम की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वायरोसोम के बारे में नहीं जानते होंगे। अब बात कर ले वायरोसोम इज अ ड्रग, ध्यान से सुनना इसको। वायरोसोम इज अ ड्रग दैट कंसिस्ट ऑफ अ यूनी लैमिनार फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है ना, याद से पढ़िएगा इसको और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वायरोसोम इज अ ड्रग दैट, मतलब जो COVID-19 के केस में बन रहा है, COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए जो वायरोसोम के ड्रग बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं। वायरोसोम इज अ ड्रग दैट कंसिस्ट ऑफ द यूनी लैमिनार फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन अलाउ द ड्रग टू फ्यूज विद अ टारगेट सेल। जो टारगेट सेल होगा तो जो ये आपकी जो ड्रग होगी, जो वायरोसोम की बनेगी, वो क्या करेगी, उसके साथ फ्यूज कर जाएगी। द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ द वायरोसोम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड द ड्रग। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें प्रोटीन होगी, न्यूक्लिक एसिड होगी और वो ड्रग भी होगा जो इसको क्योर करेगा। द सरफेस ऑफ वायरोसोम इज मेड ऑफ डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन। और जो वायरोसोम का जो सरफेस होगा वो डिफरेंट प्रोटीन का बना होगा। और साथ ही साथ जो ड्रग, जैसे मान लीजिए इस सेल तक नहीं पहुंच पा रहा, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल जो भी ड्रग दे रहे हैं वो सेल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वायरोसोम की मदद से जो इन्फेक्टेड सेल है और जो टारगेट सेल रहेगा, तो हम वायरोसोम की मदद से उसको वो मेडिसिन और जो भी हमारा ड्रग है उस तक पहुंचा पाएंगे। हाँ, और ये वायरोसोम जो एक रहेगा वो इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा, हमारे शरीर में जाके कोई बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा। ठीक है, आई सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स। व्हाट इज इम्यूनो डायग्नोस्टिक एंड व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज अ यूज ऑफ इम्यूनो डायग्नोस्टिक, आइए देख लेते हैं। इन इंडिया करंटली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड किट आर बीइंग यूज्ड एज वी नो वेरी वेल रियल टाइम PCR इस टाइम यूज हो रहा है। ठीक है, दीज किट्स आर रैपिड एंड दे इनेबल डिटेक्शन ऑफ एक्टिव COVID-19 इन्फेक्शन। हाउएवर द किट डू नॉट आइडेंटिफाई द एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। कहने की बात क्या है, जिस अब जो हमारी किट है, जिस इंसान में मतलब सिम्टम्स नहीं है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। हाउएवर दिस किट डू नॉट आइडेंटिफाई एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, दैट इज वाई दिस मीन्स दैट द पीपल दैट वर एक्सपोज टू द और recovered from the infection with COVID-19 in past may left undetected। कहने की बात क्या, अगर किसी को COVID-19 है और उसके अंदर symptoms नहीं आ रहे हैं, है ना, but वो किसी और को infect कर सकता है, ऐसे patient बहुत कम ही, मतलब समझ रहे हैं कि test में आ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उनका test किया, ठीक है, अब अगर उनमें कोई symptom नहीं है तो हमें पता इस मशीन के हिसाब से RT-PCR के हेल्प से हम नहीं पता लगा सकते कि उसको COVID-19 है या नहीं है। अगर उसको सिम्टम्स नहीं है तो ये इसका एक डिमेरिट है, क्योंकि इससे क्या, मान लीजिए उसकी एंटीबॉडी अंदर का जो शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, कहीं ना कहीं फाइट करके ध्वस्त कर पा रहा, पर जो पेशेंट है उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, पर वो अगर स्नीजिंग और वगैरह वगैरह जो ये एक्टिविटी करता है जिससे कि क्या COVID-19 फैल सकता है, तो फैल जरूर सकता है उससे। तो ऐसे पेशेंट को डिटेक्ट करना आसान नहीं है जो आपकी रियल टाइम PCR है इसकी हेल्प से। इसीलिए जो हमारा इम्यूनो डायग्नोस्टिक है इसको कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ऑन द अदर हैंड द इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडी एंड आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एज वेल। और हमारा जो इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट है वो क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में और आइडेंटिफाई इन्फेक्शन को हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो जिसके शरीर में इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ना समझ में कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 12 अप्रैल को। अब बात कर लेते हैं क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च अ वीक लॉन्ग कैंपेन कॉल्ड अब भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। द कैंपेन एम टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, कि सारे लोग घर पे बंद हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपनी एजुकेशन घर पे बैठे हुए ही करें। प्लीज नोट डाउन द मेन एम ऑफ द कैंपेन इज टू इनिशिएट इनवाइट experts in the country to share their knowledge and solution in order to overcome the constraint in promoting a digital education। कहीं ना कहीं हमारा main aim ये भी है कि हम digital के साथ साथ, मतलब सारी चीजें digitally हम promote करें। ठीक है ना, और यहाँ पर बात है अगर भारत पढ़े online campaign की, तो कहीं ना कहीं promoting digital education। Student and teacher are the main target of the campaign, though there are several other initiative to promote online education in India। The campaign is launched to bring all the experts of different fields share their knowledge during the lockdown। ठीक है, other e-education initiative, देख रहे हैं घर पे ही लैपटॉप है और यही पूरी क्लास है, e-learning। ठीक है,
आइए देख लेते क्या है। स्वयं इज अ मैसिव ऑनलाइन कोर्स दैट होस्ट ऑल कोर्स टॉट फ्रॉम अ नाइन्थ क्लास, ठीक है ना। स्वयं स्वयं प्रभा इज अनदर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट डेवलप बाय द एक्सपर्ट थ्रू DTH टेलीविजन चैनल। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6.5 मिलियन बुक एंड कैन बी एसेस्ड फॉर फ्री। ये अच्छा क्वेश्चन बना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना। जो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आपकी कितनी सारी बुक्स कंटेंट करती कंसिस्ट करती है, वो आपकी 6.5 मिलियन बुक्स कैन बी एसेस्ड फॉर फ्री, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 586 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल सेटअप है ना, 586 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल सेटअप जिनमें सारी व्यवस्था है। आइए देख लेते क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप 586 डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल हैव द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर देन 1 लाख आइसोलेशन बेड, ठीक है। आइसोलेशन बेड कितने, तकरीबन 1 लाख, ओके। पीएनआई करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ प्रिमिटिव एक्शन टू आइडेंटिफाई कोविड-19 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, एम्फसाइज कर रही है कि कोविड-19 का जो हॉटस्पॉट है वो इंडिया में फाइंड करें जल्दी से जल्दी, मतलब जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 फैल रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आइसोलेशन बेड अराउंड 11,500 आईसीयू बेड हैव आल्सो बीन सेट अप अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इन द एब्सेंस ऑफ कंटेनमेंट मेजर देयर शुड हैव बीन 41% मोर केसेस बाय अप्रैल 15। कहने की बात क्या है कि अभी आने वाले टाइम में मतलब 15 अप्रैल के बाद और भी केसेस आ सकते हैं, इसीलिए सारी व्यवस्था पहले से ही रेडी करके रखी, वेंटिलेटर बेड आईसीयू सारी चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर मेजर्स की, बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज टू टेकन अ सेवरल अदर मेजर टू इंक्रीज हॉस्पिटल फैसिलिटीज इन इंडिया। एज वी नो वेरी वेल, बहुत सारी नई नई चीजें हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग हो। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार आपका यहाँ इन चारों पॉइंट से रिविजन कराऊंगा और ये आपकी जीके स्ट्रांग करेगा। मोर देन 20,000 रेलवे कोचेस वर कन्वर्टेड इनटू द हॉस्पिटल वार्ड, अप्रोक्स 3.2 लाख बेड्स। द वर्किंग पर्सनल इन द हेल्थ केयर सेक्टर सैनिटेशन सेक्टर वर प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस कवर ₹50 लाख पर हेल्थ वर्कर, ठीक है। ऑल्सो द वेक ऑफ द मनरेगा वर्कर, मतलब कहीं ना कहीं मनरेगा वर्कर की जो मतलब क्या कहते हैं उनकी पगार थी वो भी बढ़ाई गई है, 202 कर दी गई है 182 से, पढ़ा चुका हूं आपको। आयुष्मान भारत स्कीम डिप्लॉयड इन फोर फ्रंट टू फाइट अगेंस्ट दी डिजीज, द बेनिफिशरी ऑफ दिस स्कीम वर टेस्टेड फॉर फ्री, ठीक है। ये भी पढ़ा चुका हूं, हाँ चलिए अच्छा क्वेश्चन, अच्छा याद आ गया। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने वल्नरेबल, यहां मैंने आपको एक क्या कहते हैं एक क्ल्यू दे दिया, कितने लोगों के फ्री में टेस्ट होंगे, ठीक है, कितने लोगों के फ्री में टेस्ट होंगे ये बताइए, ठीक है। होमवर्क है ये आपका, कितने लोगों के फ्री में टेस्ट होंगे, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 डिसाइड हुआ 11 अप्रैल को, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन क्या है ये देखते हैं। 11 अप्रैल 2020 पीएम मोदी इंटरेक्ट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग द मीट, मोस्ट ऑफ देम फेवर्ड एक्सटेंड द लॉकडाउन। अब जब मीटिंग हुई तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि भाई इस कोविड-19 का जो ये लॉकडाउन है इसको और ज्यादा एक्सटेंड करें, क्योंकि जितने ज्यादा हमें अच्छे बेनिफिट अभी दिख रहे हैं है ना, इनसे इतने कम केसेस दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा है बट अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस कम है, तो अगर हम लॉकडाउन बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, प्लीज नोट इट। एज द लॉकडाउन कम इन टू एंड अप्रैल 14, 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन लुकिंग अवे टू एक्ट देन ऑन, ठीक है ना। इट हैज नाउ बीन कंक्लूडेड दैट इंडिया विल एंटर इनटू अ स्मार्ट लॉकडाउन। अब क्या है कि देखो बढ़ा तो सकते नहीं कि लॉकडाउन बढ़ा दो, कब तक बढ़ाएंगे, अब कहीं ना कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। अंडर द स्मार्ट लॉकडाउन इंडिया हैज टू बी डिमार्केटेड इनटू रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। आइए देख लेते हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि ग्रीन रेड ऑरेंज जोन में क्या होगा। इंडिया हैज टू बी डिमार्केटेड इनटू अ कलर जोन बेस्ड ऑन आउटब्रेक ऑफ द वायरस इन द रीजन। कुछ ऐसे जोन होंगे, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है बट आपके एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसा मैप होगा जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ रेड जोन कौन से होंगे, ऑरेंज जोन कौन से होंगे, ग्रीन जोन कौन से होंगे। आइए द रेड जोन आर रीजन दैट डिक्लेयर्ड एज द हॉटस्पॉट। रेड जोन जो होंगे वो आपके हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाएंगे, जहां पर कुछ भी नहीं होगा, एयर नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ टू बी अलाउड,
समझ गए कहने की बात क्या है, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना। ठीक है, रेड जोन में क्या होगा, अगर वो हॉटस्पॉट होंगे और वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ऑरेंज जोन की बात कर लेते हैं, अदर रीजन वेयर लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज टू बी अलाउड, इन दिस रीजन हार्वेस्टिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी अलाउड। और इस रीजन में जो किसान है जिनके जिनकी खेती वगैरह सब उग गई है तो उसको भी वो काट सकते हैं। ठीक है, इन ग्रीन जोन अलोंग विद फार्म एक्टिविटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो बिगिन टू फंक्शन, दीज इंडस्ट्री विल प्रोवाइड इन हाउस लॉजिंग फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज अलोंग विद द सोशल डिस्टेंसिंग फैसिलिटीज। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। ये आपके 12 अप्रैल का पूरा टॉप करंट अफेयर था, मैंने एक एक छांट कर आपको पढ़ाया है ना, एक एक जितना टॉप करंट अफेयर था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल, है ना, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।